चैप्टर 10 लय और ताल। लय साधारण शब्दों में लय का अर्थ बराबर गति अथवा चाल से है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि चलते समय एक साधारण व्यक्ति के कदम एक समान या लगातार एक के बाद एक उठते हैं। एक व्यक्ति की साधारण बातचीत एक ही गति में होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी क्रिया जिसकी गति अथवा चाल लगातार समान चलती रहे, वहाँ लय विद्यमान होती है। लय ही समस्त संगीत का आधार है। संगीत में गाने बजाने तथा नाचने की क्रियाओं की एक समान गति को लय कहते हैं। चाल, गति, रिदम, स्पीड और लय ये सभी एक ही क्रिया के पर्यायवाची शब्द हैं। संगीत में स्वर तथा लय दोनों का ही बराबर महत्व है। स्वर और लय दोनों के समन्वय से ही गायन वादन प्रभावशाली बनता है और श्रोता भी रसमग्न होते हैं। लय के मुख्य तीन प्रकार हैं। नंबर 1 विलंबित लय, नंबर 2 मध्य लय, नंबर 3 द्रुत लय। नंबर 1 विलंबित लय। संगीत में गाने अथवा बजाने की बहुत धीमी गति को विलंबित लय कहते हैं। इसे ठाह लय भी कहते हैं। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे हम एक मिनट में एक समान गति में 20 तक गिने और इसे हम मध्य लय समझ लें। अब एक मिनट में एक समान गति में 10 तक गिने तो यह विलंबित लय होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि विलंबित लय मध्य लय के मुकाबले में आधी गति में चलती है। गायन में प्रायः ध्रुपद, धमार और बड़े ख्याल इस लय में गाए जाते हैं। मसीद खानी गतों का वादन भी इसी लय में होता है। विलंबित लय की कुछ तालें इस प्रकार हैं, जैसे झूमरा ताल, तिलवाड़ा ताल, आड़ा चौताल, धमार ताल, तीव्रा ताल और एक ताल आदि। नंबर 2 मध्य लय साधारण गति जो ना अधिक धीमी और ना अधिक तेज हो, उसे मध्य लय कहा जाता है। दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति की साधारण बातचीत, चलने की साधारण चाल या कोई भी अन्य साधारण क्रिया मध्य लय में होती है। संगीत में भी इस लय का बड़ा महत्व है। पेज 42 गायन में छोटा ख्याल, भजन, शब्द, गीत आदि इसी लय में गाए जाते हैं। रजाखानी गतों का वादन भी इसी लय में किया जाता है। वास्तव में इसी लय के आधार पर गाने अथवा बजाने की कोई क्रिया विलंबित अथवा द्रुत लय में की जाती है। मध्य लय की तालें तीन ताल, झप ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल और रूपक ताल इत्यादि हैं। नंबर 3 द्रुत लय बहुत तेज गति अथवा चाल को द्रुत लय कहा जाता है। द्रुत लय साधारणतः मध्य लय से दुगनी तेज होती है। द्रुत लय के प्रभाव में चंचलता की झलक होती है। गायन में छोटा ख्याल, तराना और वादन में झाला वादन इस लय में बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है। द्रुत लय की रचनाओं की संगति के लिए प्रायः मध्य लय की तालों की गति बढ़ाकर ही बजाया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विलंबित लय से दुगनी तेज लय साधारण अथवा मध्य लय है और मध्य लय से दुगनी तेज चाल द्रुत लय है। लय के उपयुक्त मुख्य तीन प्रकारों के अतिरिक्त अति विलंबित लय, अणुद्रुत लय, आड़ी लय, कुआड़ी लय, वियाड़ी लय इत्यादि अन्य रूप भी हैं, जो साधारणतः मुख्य तीन प्रकारों के ही विकसित रूप हैं। ताल ताल का महत्व। तालस्तलम प्रतिष्ठायामेति धातुर्धान्ये स्मृतः गीतम वाद्यम तथा नृतम यतस्ताले प्रतिष्ठितम्। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के उपर्युक्त श्लोक का अर्थ है कि गायन वादन और नृत्य ताल से ही प्रतिष्ठित होते हैं अथवा अच्छे लगते हैं। वास्तव में ताल के बिना गाना बजाना बिल्कुल नीरस लगता है। ताल की संगति से गायन वादन में जान पड़ जाती है और संगीत आनंददायक व प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि ताल संगीत को संचालित करता है। ताल के साथ गायक वादक एक मर्यादा में बंध जाते हैं और उनके लिए ताल का निर्वाह करना आवश्यक हो जाता है। ताल को संगीत के प्राण कहा गया है। जिस प्रकार मानव शरीर की रचना के लिए
अस्थि पिंजर और प्राण आवश्यक हैं, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत के लिए ताल की आवश्यकता होती है। राग की बंदिश शास्त्रीय संगीत का केवल शरीर मात्र होती है, परंतु ताल उनमें प्राणों का संचार करता है। संगीत का मूल लक्ष्य है आनंदानुभूति। आनंद की प्राप्ति में भी ताल पूर्ण रूप में सहायक होता है। ताल सुनते ही हमारे हाथ पांव सिर सभी हिलने लग जाते हैं। ताल के द्वारा आनंदानुभूति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन बच्चों में देखा जा सकता है, जो ताल की थाप पर निसंकोच नाचने लग जाते हैं। पेज 43। इस प्रकार संगीत के द्वारा आनंदानुभूति या रसानुभूति में भी ताल का योग स्वर के समान ही माना गया है। शास्त्रों में ताल युक्त गायन वादन को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारद तालज्ञश्च प्रयासेन मोक्ष मार्गम च गच्छति। याज्ञवल्क्य स्मृति 3.115। इस प्रकार ताल का भी संगीत में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है जितना कि स्वर का। अब देखना यह है कि ताल किसे कहते हैं। कोई भी गायन वादन तथा नृत्य एक निश्चित लय में चलते हैं। इसी लय के एक कायम किए हुए भाग को ताल कहते हैं। या इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि गायन वादन तथा नृत्य की क्रिया में जो समय अथवा काल लगता है, उसके नापने के साधन को ताल कहते हैं। ताल काल क्रिया मानम के अनुसार भी समय के मापने को ताल कहा जाता है। लय को मापने के लिए मात्राएं निश्चित की जाती हैं। एक मात्रा का मान लगभग एक सेकंड माना जाता है। भिन्न भिन्न मात्राओं के समूह से विभिन्न तालों की रचना होती है, जैसे 6 मात्रा का दादरा ताल, 8 मात्रा का कहरवा ताल, 10 मात्रा का झप ताल, 12 मात्रा का एक ताल और 16 मात्रा का 3 ताल आदि। इन तालों की रचना गीत के भिन्न प्रकारों के आधार पर हुई है, जैसे ख्याल की संगति के लिए 3 ताल, एक ताल, तिलवाड़ा ताल, ठुमरी गायन शैली की संगति के लिए दीप चंदी ताल और हल्के फुल्के गीतों के लिए दादरा और कहरवा आदि तालों की रचना हुई। प्रत्येक ताल के कुछ बोल निश्चित कर लिए जाते हैं, जैसे धीना, किट, तक, तू, ना आदि। ताल के इन निश्चित बोलों को तबला, मृदंग, ढोलक आदि चमड़े के मढ़े हुए वाद्यों पर बजाया जाता है। गाते बजाते समय गायन वादनानुकूल ताल की लगातार संगति होती रहती है, जिससे गायन वादन बड़ा मधुर और आकर्षक बन जाता है। सारांश यह है कि ताल निश्चित मात्राओं का एक कायम किया हुआ चक्र होता है। यह गायन वादन और नृत्य के काल मान को निर्धारित करने के लिए ठीक उसी प्रकार काम करता है, जिस प्रकार घंटे बिताने के लिए मिनट और मिनट के लिए सेकंड। प्रत्येक ताल को बताने के लिए मात्रा, सम, ताली, खाली, विभाग, आवर्तन, ठेका आदि कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ताल संबंधी इन पारिभाषिक शब्दों की जानकारी प्राप्त कर लेने से ताल को समझना सरल हो जाता है। इनका वर्णन निम्नलिखित है।